बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। फिल्म मांझी द माउंटेन मैन का वो डायलॉग तो आपको याद होगा जिसमें नवाज कहते हैं जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की असल जिंदगी भी कई हद तक इस नारे को सच साबित करती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब उनके पास रहने को ना जगह थी और ना खाने को खाना, मगर आंखों में सपने थे। यही वजह रही कि अपनी मेहनत, लगन, विश्वास और जिद के चलते नवाज ने दुनिया के हर मुकाम को हासिल कर लिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इनकी कहानी का कोई डायरेक्टर नहीं था, बल्कि अपनी कहानी इन्होंने खुद लिखी। कला का ऐसा जौहर दिखाया कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। पर आज भी जब नवाज अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर एक सुकून होता है। तो चलिए आज आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संघर्ष से सफलता तक के सफर के बारे में बताएं। कहते हैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से पहले आपको संघर्ष के पथ से गुजरना पड़ता है। दुनिया में हर सफल इंसान की अपनी ही एक दास्तां है। इनमें से ही एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी, जो संघर्षों से भरी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से 40 किलोमीटर दूर बुढ़ाना गांव में पले बड़े नवाज के बारे में कौन जानता था कि एक दिन वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। 19 मई 1974 को जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने 8 भाई बहन में सबसे बड़े थे। उनके घर में न टीवी था और न गांव में सही से बिजली, पर नवाज बचपन से ही फिल्मों के बड़े शौकीन थे। तभी महीनों पैसे इकट्ठे करने के बाद कहीं जाकर एक फिल्म देखने का मौका मिलता। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नवाज बॉलीवुड में आने से पहले सिर्फ 6 ही फिल्में देख पाए थे। खैर, नवाज ने अपनी बैचलर डिग्री हरिद्वार के गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने एक साल के लिए वडोदरा में एक केमिस्ट की जॉब भी की। पर नवाज हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। वैसे अक्सर लोगों को गो विद द ट्रेंड का नारा सुनने को मिलता है, पर नवाज का मानना था कि जो काम पूरी दुनिया कर रही है उसे करने में कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें कुछ सबसे हटकर कुछ अलग करना था। बस फिर अपने इसी थॉट के साथ नवाज ने एक्टर बनने का फैसला लिया। हालांकि जब उनके रिश्तेदारों को इस बारे में पता चला तो सबने उनका खूब मजाक बनाया, और नवाज के अनुसार उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि अरे तू कहां एक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है, पहले अपनी शक्ल तो देख, ना तेरे पास एक्टर बनने के लिए ढंग का कद है, ना शक्ल और ना ही शरीर। उस समय नवाज के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, पर कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को जवाब आपका काम देता है। तो बस फिर नवाज ने सब भूल भाल कर अपने सपने पर काम करना शुरू कर दिया। नवाज इस बात को बहुत पहले से मानते आए हैं कि अगर आपको अपनी फील्ड में सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए आपको पहले अपने काम में परफेक्शन लाना होगा, क्योंकि केवल एक वही ऐसी चीज है जिसके जरिए आप किसी भी जंग को फतह कर सकते हैं। बस फिर नवाज ने तुरंत दिल्ली जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का फैसला लिया। अब जैसे तैसे उनका भाई एडमिशन तो हो गया, पर रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे, दोनों का इंतजाम भी बेहद जरूरी था। इसलिए उन्होंने वहाँ एक चौकीदार की नौकरी करनी शुरू कर दी। इससे उनके रहने और खाने का इंतजाम हो गया। ये उनके जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, पर कहते हैं ना, सोना जितना जलता है उतना ही फिर बाद में निखरता भी है। अब समय बीतता गया और नवाज ने अपनी दिल्ली में एक्टिंग की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, जिसके बाद वो सन 2000 में मुंबई के लिए रवाना हो गए। अब मुंबई को माया नगरी यूं ही नहीं कहा जाता, नवाज यहाँ की रफ्तार देखकर दंग रह गए। एक पल को तो उन्हें लगा कि वो यहाँ शायद ही रह पाए, पर अब पीछे मुड़कर देखने का भी कोई मतलब नहीं था। मुंबई में नवाज ने एक समय ऐसा भी बिताया जब वो एक समय का खाना खाते तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। इतनी मेहनत के बाद भी लोग उन्हें देख के यही बोलते कि तुम्हारी पर्सनालिटी एक्टर बनने लायक नहीं है। उन्होंने कई बार सब कुछ छोड़कर वापस गांव जाने का सोचा, लेकिन फिर याद आता कि वो गांव में क्या मुंह लेकर जाएंगे। नवाज इस डर से घर वापस नहीं जाते, क्योंकि गांव में सब मजाक उड़ाते कि बड़ा हीरो बनने गया था। फिर लगभग 5 साल तक नवाज को मुंबई में संघर्ष करने के बाद कहीं जाकर उम्मीद की किरण नजर आई, और अनुराग कश्यप ने उन्हें ब्लैक फ्राइडे में काम करने का मौका दिया। रोल छोटा था लेकिन नवाज की किस्मत खोलने वाला था। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क और देवडी जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, पर असली पहचान उन्हें अनुराग कश्यप की सुपरहिट फिल्म गैंग्स ऑफ वैसेपुर से मिली। इस फिल्म ने उनकी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि सबकी जुबान पर बस सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल ही रहता। अब चाहे बाबू मोशाय का किरदार हो या फिर मंटो या बाला साहब ठाकरे का, सभी किरदारों से नवाज ने फैंस का दिल जीत लिया। नवाज के काम की बात की जाए तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर से पहले सरफरोश, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मुन्ना भाई MBBS, आजा नचले, मनोरमा 6 फीट अंडर, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक एंड व्हाइट, पीपली लाइफ, कहानी, पान सिंह तोमर और कई फिल्मों में काम किया था। इसके बाद उन्होंने किक,
बदलापुर, मांझी द माउंटेन मैन, द लंच बॉक्स, रमन राघव 2, रईस, मंटो और ठाकरे जैसी दमदार फिल्में की। इसके अलावा नवाज ने 2021 में एक अमेरिकन बांग्लादेशी इंडियन फिल्म नो लैंड्स मैन भी की। नवाज को आज देश विदेश में हर कोई जानता है। तभी तो वर्ल्ड फेमस नॉवलिस्ट पौलो कोएलो, जिनकी बेस्ट सेलर नॉवल द अल्केमिस्ट के बारे में आज कौन नहीं जानता, ने एक ट्वीट में सीक्रेट गेम सीरीज को रिकमेंडेड करते हुए लिखा, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स विद द ग्रेट एक्टर नवाजुद्दीन। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड में सबसे बेहतरीन एक्टर में से एक है और हर बड़े एक्टर के साथ काम कर चुके हैं। इनकी सफलता का एग्जाम्पल आज इन्हें मिले अवार्ड्स साफ तौर पर बयां करते हैं। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, एशियन फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड, गिल्ड अवार्ड, आईफा अवार्ड जैसे न जाने कितने अवार्ड्स मिले हैं। नवाज आज इस मुकाम पर है कि उनके पास दौलत, शोहरत, नाम और काम सब है। वो आज भी इस बात पर हंसते हैं कि जो लोग उन्हें कहते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, वो अचानक कहने लगे कि हमने तो कहा ही था कि तू जरूर कर लेगा। खैर, हाल ही में नवाज ने मुंबई में अपने सपनों का घर भी खरीद लिया है, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर नवाब रखा है। नवाज कहते हैं कि अगर आज उनके पिता जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। यही नहीं, इतनी शोहरत के बाद भी नवाज अपनी जमीन, अपने गांव को नहीं भूले, क्योंकि नवाज के पिता किसान थे तो वो आज भी अपने गांव जाते हैं और वहां के लोगों की सभी परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने गांव वालों को इरिगेशन की भी नई टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया और बताया है, जो आज गांव के लोगों के लिए कारगर भी साबित हो रही है। कहते हैं, जिद अगर गलत चीज की हो तो वो इंसान को बर्बाद कर देती है, पर वही अगर सही चीज की हो तो वो इंसान को आबाद कर देती है। हजारों कठिनाइयों का सामना कर चुके नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।